आज बनाने जा रही हूँ बेबी बूट, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं। और देखिए 10 नंबर सिलाई ली हुई है मैंने, और इसमें 38 फंदे डाले हुए हैं मैंने, 38 फंदे डाले हुए हैं। और देखिए इसमें मुझे ये इस तरह की सिलाइयाँ भी चाहिए, जो गले वाली होती हैं, दोनों साइड वाली खुली हुई इस तरह की, ये दो सिलाई इस तरह की चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 38 फंदे डाल लिए हैं। तो देखिए एक रो मैं सीधी बुनूंगी इस तरीके से। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लगता है बेबी के पैर में। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने पहली रो कंप्लीट कर ली है। और ये मैं सूच का बेस बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं एक फंदे से दो फंदे, देखिए पहला फंदा मैंने एक बार बुना, और इसको निकालेंगे नहीं, एक बार और बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदे से दो फंदे कर लिए। अब देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 फंदे सीधे बुन लिए। आप देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फंदे से दो फंदे एक बार बुना, और इसी फंदे से ये देखिए बैक साइड से बुन लेंगे। और देखिए दो फंदे बीच में सीधे बुनेंगे। ये देखिए आप देखिए इस फंदे पे एक फंदे से दो फंदे। आप देखिए इधर भी 16 फंदे बुनने के बाद एक फंदा से पहले इस पे एक फंदे, लास्ट वाले फंदे पे दो फंदे इस तरीके से इसमें। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। लास्ट में देखिए इस फंदे से एक फंदे से दो फंदे। आप देखिए हमारे पास 42 फंदे हो गए, 42 फंदे हो गए, 4 फंदे बढ़ गए इस रो में। और इस रो को इसी तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब मैं सीधे साइड आ गई हूँ। तो यहाँ से देखिए पहले मैंने इसी फंदे पर बढ़ाया था, अब देखिए इसको मैं सीधा बुन लूँगी अगले फंदे का, एक फंदे से दो फंदे। ये देखिए इस तरीके से अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये फंदे बना लिए हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे फंदे बढ़ाऊँगी, एक फंदे से दो फंदे। आप देखिए बड़े हुए फंदे जो हैं वो बीच में आ जाएंगे, एक ये बड़ा वाला और दो ये सीधे वाले, ये देखिए, और एक ये एक और इधर का। और देखिए जो बड़े हुए थे दोनों फंदे इधर आ गए। अब इस फंदे पे इस पे इस तरीके से बढ़ा दूंगी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और देखिए ये 16। 16 फंदे बना लिए मैंने। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब दो फंदे से पहले मैंने इधर भी बढ़ाया, एक फंदे से दो फंदे, इसको निकाला नहीं है। आप देखिए इस रो में 4 फंदे फिर बढ़ गए, तो हमारे पास 46 फंदे हो गए। और देखिए इधर से इस रो को उल्टी तरफ से इसको सीधा बुनेंगे इस तरीके से, पूरी रो एक एक करके फंदे सारे ऐसे ही बुन देंगे। ये देखिए अब मैं फिर से सीधे साइड आ गई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2, अब देखिए इस फंदे पे बढ़ाएंगे
ऐसे बढ़ा हुआ फंदा इधर आ जाना चाहिए आपका, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16। ये देखिए मैंने 16 फंदे बुन लिए, और जो फंदे बड़े हुए हैं अब इस फंदे पे इस तरीके से एक फंदे से ये 2 फंदे, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए एक फंदे से 2 फंदे और 16 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे। एक यहाँ पे बना लेती हूँ, ये देखिए लास्ट में इस तरीके से एक फंदे से 2 फंदे। ये उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बना देंगे, इधर से सीधी दोनों तरफ से मैं सीधा बुन रही हूँ इसको इस तरीके से कंप्लीट करें। ये देखिए अब मैं फिर सीधे साइड आ गई हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 50 फंदे हो गए, 50 फंदे। और देखिए अब मैं फिर एक रो और बनाऊँगी अभी इसमें, दो तीन चार और ये पाँच, ये देखिए 5वें फंदे पे मैंने एक का ये 2 कर दिया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे 16 फंदे, उसके बाद फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से बढ़ाए और उसके बाद ये 16 फंदे बना लिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऐसे एक फंदे से 2 फंदे और बीच में जो फंदे हैं उनको मैं बनूँगी। यहाँ पे देखिए अब मैं इस फंदे पे बढ़ाऊँगी इस तरीके से और 16 फंदे इधर बुनूँगी फिर से। ये देखिए बड़े हुए फंदे जो भी हैं वो बीच में आ जाते हैं, इस साइड फंदा बढ़ जाता है। अब देखिए इधर बनाने के बाद लास्ट में, ये देखिए लास्ट में भी एक फंदे से 2 फंदे इस तरीके से। आप देखिए इस रो में मेरे पास 54 फंदे हो गए, 54 फंदे हो गए हैं। ये देखिए इस रो को मैं इस तरीके से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर दूंगी यहाँ से। आप देखिए यहाँ से मैं सेकंड कलर अटैच कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ ज्वाइंट कर लिया। आप देखिए इस सिलाई को मैं लगाऊंगी, तो यहाँ से ये मैंने सोल बना लिया है और इसमें 54 फंदे हैं हमारे पास। आप देखिए एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे, ये देखिए दूसरा सीधा बुन लिया और देखिए ये फंदा नीचे से एक रो नीचे से इस तरीके से यहाँ से बनाएंगे। वापस देखिए एक फंदा ऐसे ही बनाएंगे जो नॉर्मल फंदा बुनते हैं, और दूसरा फंदा एक रो नीचे से इस तरीके से, एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, दूसरा फंदा एक रो नीचे से इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से ये देखिए एक ऐसे ही बना लेंगे, एक एक रो नीचे से बुनेंगे, एक नीचे से एक रो, एक ऐसे ही बना लिया, एक एक रो नीचे से बनाया। अब देखिए एक ऐसे ही बुनेंगे और एक एक रो नीचे से इसको कंप्लीट करेंगे रो को। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से सीधा यहाँ से नहीं बुनूंगी, यहाँ से बुनूंगी जो मैंने धागा ये छोड़ा है यहाँ से जोड़ा था। अब देखिए इसीलिए मैंने ये डबल साइडेड ये ली हैं सलाइयाँ। तो देखिए यहाँ से मैं एक फंदा ऐसे ही बुनूंगी, ये देखिए ये वाला बुन लिया, और इस फंदे को देखिए नीचे से बुनूंगी एक रो नीचे से ऐसे, ये देखिए। और ये वाला पहले नीचे से बुना था इसको मैं ऐसे ही बुन लूँगी प्लेन, और देखिए इसको एक रो नीचे से बनाएंगे यहाँ से देखिए इस तरीके से। और देखिए एक फंदा इसी तरीके से प्लेन बनाऊंगी,
एक देखिए एक रो नीचे से बुना और दूसरा ऐसे ही बुन लिया, फिर देखिए एक इस तरीके से, फिर एक प्लेन, वापस देखिए एक रो नीचे से बनाएंगे और एक ऐसे ही बुनते जाएंगे, ये देखिए एक ऐसे ही बना लेंगे, एक रो नीचे से, फिर देखिए एक प्लेन बुन लिया और देखिए एक रो नीचे से, ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली और देखिए ये धागे हमारे इसी तरफ आ गए हैं दोनों। अब इसको पलटेंगे, ये देखिए दो रो यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं, इसके बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ। तो देखिए जो ये इधर से फंदा ऐसे है उल्टा, अब देखिए मैं ये वाला कलर लगाऊंगी ग्रीन, वाइट से मैंने अभी पूरी की थी, अब देखिए ये वाला फंदा मैंने ऐसे ही बना लिया उल्टे तरफ से, और देखिए ये जो ये वाला फंदा है इसको मैं एक रो नीचे से बुनूंगी ऐसे, और ऐसे ही निकाल दूंगी इसको देखिए ऐसे, और एक फंदा ऐसे सिंपल बुन लूंगी, और देखिए यहाँ से ऐसे देखिए इस साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और देखिए वापस ऐसे बना देंगे इसको, फिर एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे, फिर देखिए ऐसे अगला फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, और देखिए यहाँ से ऐसे उल्टे सीधे साइड से सिलाई डाल रही हूँ मैं इस फंदे में, देखिए इस तरीके से एक रो नीचे से, ये देखिए साफ पता चल रहा है जो फंदा प्लेन वाला है वाइट वाला उसको मैं ऐसे ही बुन रही हूँ, ये देखिए, और इसको ग्रीन वाले में एक रो नीचे से, और देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे इसी तरीके से। देखिए ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से भी इसको बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैं पलटूंगी नहीं, इस धागे को यहीं छोड़ूंगी और देखिए यहाँ से इस धागे से बनाऊंगी, तो देखिए इस तरीके से इधर से दो फंदे जो हैं उनको मैं ऐसे ही बुन लूंगी, ये देखिए प्लेन, उसके बाद देखिए एक फंदा नीचे से एक रो नीचे से बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से, और एक फंदा ऐसे ही बुनूंगी ऊपर से ही, और दूसरा देखिए एक रो नीचे से, ये देखिए ऐसे, फिर देखिए एक फंदा नीचे से एक एक रो के नीचे से, और एक प्लेन बुन लेंगे जैसे बुनते हैं, ये देखिए एक प्लेन बुना और एक उल्टी रो में इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसको। अब देखिए उल्टी तरफ से दोनों रो मैंने पूरी कर ली हैं और दो सीधे तरफ से कर ली हैं। अब देखिए मैं फिर से सीधे तरफ आ गई हूँ, तो देखिए यहाँ से अब मैं इससे ग्रीन से बुनूंगी, अभी मैं बाइट से ये पूरी की है, दो दो रो इसकी निकालूंगी इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे मैंने ये दो फंदे ऐसे ही बुन लिए ऐसे, और तीसरा फंदा एक रो नीचे से बनाएंगे और चौथा प्लेन बुनेंगे, फिर देखिए एक रो नीचे से एक ऐसे ही एक रो नीचे से, और देखिए इसी तरह से यहाँ पे मैं 12 रो बनाऊंगी, करीब 12 या 14 के बीच में बनाऊंगी, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये डिजाइन डाल के कंप्लीट कर ली है और मैंने ये 12 रो डाली हैं, तब ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये दो रो में एक ये डिजाइन पड़ती है, तो ये 12 रो मैंने डाली हैं तब ये इस तरह से बन के कम्प्लीट हो गई है। अब देखिए मैंने एक धागे को कट कर दिया है, वाइट वाला कट किया है, अब देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से 1 2 और इस धागे को मैं सीम ले जाऊंगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखिए 16, ये 16 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। आप देखिए मैं इस यहाँ पे शेप देने के लिए ये देखिए 2 का 1 करूँगी, इस तरीके से सीधा कर लिया और यहाँ पे मैंने ये 1 2 का 1 किया, एक फंदा ऐसे ही बुन लिया, उसके बाद देखिए 2 फिर एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे पलट के सीधा कर लेंगे, 3 फिर एक ऐसे ही बुनेंगे, ये देखिए 4 टाइम मैंने इस तरीके से
बैक साइड से ये मैंने इधर से दो का एक कर दिया। अब देखिए मैं ऐसे इधर से दो का एक करूँगी, ये देखिए यहाँ पे दो का एक किया और एक ऐसे ही बुना वापस। देखिए यहाँ पलटना नहीं है, इधर से दो फिर ऐसे ही बुन लेंगे, तीन फिर एक फंदा ऐसे, और ये चार, चार टाइम मैंने इधर भी ऐसे ही बुन लिया। बचे फंदे वो मैं ऐसे ही बुन लूँगी, 16 फंदे बचे हैं इधर से वो मैं सीधे बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सीधे तरफ से मैंने इसको घटाते हुए कंप्लीट कर दिया है और ये यहाँ पे 16 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ से मैं उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुनूँगी, एक एक करके ये सारे फंदे उल्टे बना लूँगी। और मैंने सलाइयाँ देखिए वही लगा ली हैं अब यहाँ से। ये देखिए अब मैं फिर सीधे साइड आ गई हूँ, तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे देखिए मैं 15 फंदे बुनूँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 15 फंदों के बाद मैं घटाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस फंदे को मैं ऐसे कर लूँगी सीधा पलट के, और देखिए पीछे साइड से दो का एक, ये देखिए एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे वापस। देखिए दो, दो बार घटा दिए, एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए तीसरी बार, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये देखिए अब देखिए इधर से इधर, ये देखिए यहाँ से 3 बार मैंने घटा दिए। अब यहाँ से ऐसे घटाएंगे, एक बुना दो का एक, एक फंदा ऐसे ही बुन लिया। फिर देखिए दूसरा ठीक ऐसे ही बुना। अब देखिए इस बार मैं 3 टाइम घटा रही हूँ, पिछली बार मैंने 4 टाइम घटाया था दो का एक, अब देखिए इस बार मैंने 3 टाइम घटाए हैं। और देखिए यहाँ से मैं ये सूच का शेप देने के लिए घटा रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और इन फंदों को मैं सीधा बुनूंगी इस तरीके से, और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुन जाऊंगी, उसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से मैं सीधे साइड पे फिर हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं 15 फंदे बुनूंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 15 फंदे मैंने बुन लिए। उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से इस फंदे को सीधा रखूँगी और ऐसे दो का एक, एक फंदा ऐसे ही बुनूँगी वापस। ये देखिए ऐसे दो का एक, ये देखिए इस बार मैंने 2 टाइम फंदे घटाए हैं। और देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से इस साइड से घटा दूँगी एक, फिर देखिए एक ऐसे ही बुनेंगे, और देखिए दूसरी बार ऐसे घटा दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद ये 15 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टा उल्टा बुन देंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं फिर से सीधे साइड आ गई हूँ, और देखिए ये घट के इस तरह से ये शेप आ गया है। अब देखिए यहाँ से मैं 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बुनूँगी, ये देखिए 2 सीधे धागा आगे किया, 2 उल्टे धागा पीछे, 2 सीधे धागा आगे, 2 उल्टे 2 सीधे, और ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इधर से 2 उल्टे और 2 सीधे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और इस साइड से देखिए जो सीधे हैं उनको मैं सीधा बुनूंगी, ये देखिए इस तरीके से, और उल्टे हैं उनको मैं उल्टा बुनूंगी इस तरीके से। वापस धागा आगे किया और 2 उल्टे, और देखिए इस तरीके से 2 सीधे, जिस तरह से जो हैं उनको मैं सीधे पे सीधा, इस तरह से उल्टे पे उल्टा, ये देखिए ये रो भी कंप्लीट करो। ये देखिए अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे 2 उल्टे और 2 सीधे की 18 रो बनूंगी। 2 मैंने बुन दी हैं, ये तीसरी है। और देखिए 18 रो बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, 2 सीधे बना रही हूँ और 2 उल्टे, इसी तरीके से मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 19 रो डाल के पूरी कर ली हैं, 18 रो मेरी यहाँ तक हुई थी, तो 1 रो मैंने यहाँ से और निकाल दी है, क्योंकि ये पलट के इस तरह से वापस आएगा तो मुझे उल्टी साइड से ये डिजाइन डालनी है। जो मैं डिजाइन डालूँगी इसमें कंगूरे, उसको उल्टे साइड से डालना है। तो देखिए यहाँ से मैं, ये देखिए
एक फंदा ये इस तरीके से सीधा बुनूंगी, और देखिए दूसरा बुनूंगी और इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दूंगी इस तरीके से। एक और बुनूंगी, ये देखिए इस तरीके से ये दो फंदे निकाल दिए। अब देखिए इस फंदे से इसको एक देखिए एक बार बुना, इसको घुमा लिया, दो बार बुना, तो ये एक फंदे से ये देखिए तीन फंदे हो गए। अब देखिए वापस इस फंदे को बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर देखिए इसको बुनेंगे, इसको भी निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक एक बुनेंगे, उसके ऊपर से निकालेंगे, दो बुनेंगे, इसके ऊपर से निकालेंगे, ये देखिए दो फंदे बनाने के बाद। अब देखिए इसको फिर से मैं एक घुमा लूँगी फंदे को, ये देखिए एक फंदे से तीन फंदे, तो देखिए एक ये वाला फंदा बुनेंगे, वापस दूसरा बुनेंगे पीछे वाला, इसके ऊपर से निकालेंगे, फिर देखिए इसको भी इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब देखिए फिर से यहाँ से एक फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से निकालेंगे, फिर देखिए इसके ऊपर से, ये देखिए अब देखिए एक फंदे से फिर से तीन फंदे, एक घुमा लिया इसको, दो इस तरीके से तीन हो गए। अब देखिए एक फंदा बुनेंगे, अगला बुनेंगे और पीछे वाला इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे, ये तीसरा इसके ऊपर से निकाल दिया, और देखिए आगे बुनेंगे एक इसके ऊपर से एक, ये दो फंदे निकालने के बाद एक फंदे से तीन फंदे करने हैं। और देखिए एक इस फंदे को इस तरीके से एक बार बुनेंगे, इसको पलट लेंगे, दूसरी बार एक फंदे से तीन फंदे हो गए, उसके बाद देखिए एक बुनेंगे और दूसरा बुनेंगे, इसके ऊपर से इसे निकालेंगे, तीसरा बुनेंगे इसके ऊपर से निकालेंगे। अब देखिए ये बुनेंगे एक इसके ऊपर से ऐसे, दूसरा बुनेंगे इसके ऊपर से, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे एक अंगूरे से बन के कंप्लीट हो जाएंगे। इनको बना के कंप्लीट करती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने ये सभी कंगूरे बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट फंदा जो है उसमें से मैं ये धागा निकाल दूंगी और खींच दूंगी। आप देखिए ये सीधा साइड है, इसको मैं इस तरीके से अंदर को फोल्ड करूंगी और देखिए इस तरह से सिलूंगी। ये देखिए आपको ये पूरा शेप समझ में आ जाएगा, यहाँ से लेके देखिए इस तरीके से सिलूंगी। एक धागा इसमें से लूंगी और एक इसमें से लूंगी, ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये सिल के कंप्लीट होगी। ये देखिए यहाँ तक मैं इससे सिलूंगी और जो नीचे का इसका सोल है इसको मैं बाइट से सिलूंगी, तो मैं इस धागे को यहीं कट करूँगी। ये देखिए अब मैं इसका सोल सिलूंगी नीचे का, ये देखिए वाइट कलर का धागा ले लिया मैंने, और देखिए इसको भी मिलाते हुए सिलते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लास्ट तक इसको सिल के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ पे पक्का करके कट कर देंगे इस धागे को। देखिए अब इसको सीधा करेंगे, देखिए इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गई है, ये देखिए
ये मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर डाला है, आप कोई सा कलर डाल सकते हैं इसमें, और काफ़ी सुंदर बन के ये कंप्लीट होती है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसका सेप, ये सोल आ गया, और देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई। और इसको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए ऐसे।